अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं, आपने अभी 4000 का घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं किया है, तो इस वीडियो में आज आप लोगों को कुछ हिंट बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने चैनल का वॉच टाइम इंक्रेज कर सकते हैं। इसका मैं कोई समय नहीं बता रहा हूं कि इतने दिन के अंदर, एक महीना, दो महीना, सभी यूट्यूबर की तरह। और मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को वॉच टाइम बढ़ाने के तरीका बताऊंगा, सब्सक्राइबर बढ़ाने के तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग 1000 का सब्सक्राइबर हो गया, 4000 का वॉच टाइम, इस तरह का टाइटल और देते हैं, थंबनेल में लिखते हैं। तो सब्सक्राइबर बढ़ाना का मैं हमेशा से कहते आया हूँ, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के कोई टिप्स है ही नहीं, क्योंकि आपके वीडियो को जो बंदा आपके वीडियो को पसंद करेगा वो आपके चैनल को खुद ब खुद सब्सक्राइब करेगा। इसका कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये मैं आज नहीं सालों पहले कहता था। और आज आपका 4000 का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है तो आपको शुरुआती समय में क्या करना चाहिए 4000 वॉच टाइम पूरा करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहला तरीका आप लोगों को बताना चाहूँगा, टिप्स देना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले लंबी लंबी वीडियो बनाना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि हमेशा आप 10 मिनट का वीडियो बनाइए, कम से कम 10 मिनट का वीडियो बनाइए। एक अंदर से आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो 5 मिनट से ऊपर होना चाहिए, जैसे कि 9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर आपका वीडियो जितना लंबा रहेगा, यू सोच लीजिए, और अच्छा टॉपिक्स पर रहेगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने मेरे चैनल का मोनेटाइज जो हुआ है वो इसी कारण से हुआ है, क्योंकि मैंने लंबे लंबे वीडियो शुरुआती समय पर ही अपलोड कर दिया था। जॉब कार्ड कैसे बनाएं, पैन कार्ड वाले वीडियो जब वायरल हो गया तो मेरा चैनल का ही लेवल कुछ आगे चला गया है, अभी बहुत कुछ आगे चला गया है मेरा चैनल सिर्फ एक वीडियो के कारण, क्योंकि वो वीडियो मेरा लंबा था। आप चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख भी सकते हैं कि वो वीडियो मेरा 15 मिनट का था और 3 लाख से अधिक लोगों ने देख लिया है। तो दोस्तों, इसका मेन कारण यही था क्योंकि लोग उसको अधिक देखें, उसका वॉच टाइम अच्छा रहा। संभव हो सके आप लंबे लंबे वीडियो बनाने की कोशिश कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके यार अधिक से अधिक अपना वीडियो बनाने के, यानी कि ड्यूरेक्शन जो वॉच टाइम होता है वो खींचने की प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आपका वीडियो 15 या 10 मिनट का रहेगा तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि 10 मिनट में से अगर कोई 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी देख लिया तो आपका वॉच टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा। अगर 1000 भी व्यूज आ जाएगा उस वीडियो पे तो सोच लीजिए कितना आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं, अगर आप मेरी सलाह मानते हो तो आप दिमाग लड़ाइए और लंबे लंबे वीडियो अपलोड कीजिए अपने चैनल पर, जल्द ही आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। सब्सक्राइबर का तो जो अच्छा लगेगा जिसको करेगा आपका चैनल को। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं जो लोग देखना चाहते हैं, यानी कि कभी अपना फेस दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फेस दिखाते हैं उस तरह के वीडियो ज़्यादातर देखा नहीं जाता, ये मैंने एनालाइज किया है। आप अगर यूट्यूबर है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे फेस को मैचिंग करके देख सकते हैं, लेकिन नए लोग जो आते हैं यूट्यूब में, यानी कि उसको समझ में नहीं आता है। आप हो सके तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो डालने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को कुछ सिखाइए। जैसे कि आप, मैं ये नहीं कहता आप क्या सिखा सकते, आपको खुद दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या सिखाएं, लेकिन आपको सिखाना पड़ेगा तभी आपके चैनल का वॉच टाइम ज़्यादा आएगा। अगर आप सिखा रहे हैं तो उस तरह के वीडियो लोग लगे रहते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, सीखने वाला वीडियो है तो वो लोग आपके वीडियो को लगातार देखते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका चैनल का वॉच टाइम आगे चला जाएगा। तो दोस्तों, हो सके तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ सिखा रहे हैं तो लोग देखते हैं। यार मैंने देखा है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो लोग देखते हैं, जितना फेस का देखते हैं उससे ज़्यादा ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पर चलता है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो डालिए अगर आपका यूट्यूब चैनल है, लोगों को सिखाइए जा के। अगर आपका मोबाइल है, लैपटॉप है तो वहाँ पर जा के किसी वेबसाइट के बारे में बताइए, थंबनेल बनाना सिखा दीजिए, या तो कुछ भी आप सिखा दीजिए। उस तरह करने से आपका वॉच टाइम ज़रूर इंक्रीज होगा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो तीसरा तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तीसरा तरीका जो आपको करना है वो है कि आपके चैनल का देखिए कि सबसे अधिक व्यूज कौन सा वीडियो में आया है, आप उसी से रिलेटेड 2, 4, 10 वीडियो और डाल दीजिए। मैंने देख, अगर आप मेरे चैनल को आप फॉलो करते हैं तो मुझे मेरा वीडियो पैन कार्ड वाली वायरल हुआ है, तो मैंने पैन कार्ड से रिलेटेड 5-6 वीडियो और डाल दिए हैं, और मैं आने वाले दिनों में और डालूंगा, वो भी पैन कार्ड से रिलेटेड। पहले मैंने ढूंढ लूँगा कि इससे रिलेटेड कौन सा वीडियो, यानी कौन सा टॉपिक छूट रहा है, जो टॉपिक्स मेरा छूट रहा है मैं डालूंगा, ज़रूर डालूंगा पैन कार्ड से रिलेटेड। मैंने
यानी कि 8-9 वीडियो तो मैंने डाल चुका हूँ पैन कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि वो डालने का मेरा मकसद है ही है। एक वीडियो मेरा 300 से तीन लाख से ज़्यादा चला गया व्यूज उसमें, तो अगर मैं दूसरा भी डालूंगा तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 10 हज़ार तक आसानी से मेरा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग उसी वीडियो के जरिए से सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आए हैं। यूट्यूब की टिप्स देखने वाले मेरे चैनल पर एक भी यानी कि ज़्यादातर नहीं है, 100-200 होंगे। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के टिप्स तो इतना ही व्यूज आता है। लेकिन मेरे वीडियो का अगर पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ तो उसमें 1000 से प्लस जाता है। आप देख सकते हैं, एनालाइज खुद कर सकते हैं मेरे चैनल के अंदर जाकर। तो दोस्तों, यूट्यूब का एल्गोरिथम यही है कि जिस भी टॉपिक्स पर आपका वीडियो वायरल हुआ है आप उसी टॉपिक्स के अंदर 10-12 वीडियो डाल दीजिए तो आपका चैनल एक अच्छा लेवल तक चला जाएगा, आपका वॉच टाइम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आशा है दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर लगता है कि इस बंदे से आपको कुछ सीख मिल सके, जिस कारण से आप मेहनत कर रहे हो, जिस वजह से आप मेहनत कर रहे हो कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मेरी दुआ है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जिस तरीका से मैं किया हूँ, अगर ये तरीका आप फॉलो करते हैं तो